गया की इमामगंज विधानसभा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दुमरिया प्रखंड के मैगरा में संचालित यूनिक साइंस कोचिंग की छात्रा सुमंती कुमारी बनी दरोगा। सफल छात्रा सुमंती कुमारी को इमामगंज विधानसभा के नेता व समाज सेवियों ने यूनिक कोचिंग की छात्राओं के साथ भव्य स्वागत करते हुए बधाई दिया। इस संबंध में यूनिक साइंस कोचिंग सेंटर के निर्देशक वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि ये लड़की पढ़ने में कमजोर थी, लेकिन मेहनती और लगनशील थी और लगातार गए होमवर्क को समझते हुए प्रैक्टिस करती रहती थी और उसके द्वारा पूछे गए सवाल को समझाते थे और वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसके बाद उसे पहली सफलता रेलवे पुलिस में मिली। अभी वर्तमान में मोतिहारी में पोस्टेड है। जो अभी दरोगा में सफल रही है वो अब दरोगा बन गई है, जिससे पूरा डुमरिया प्रखंड समेत जिला का नाम रोशन किया है, जो क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। वहीं सफल छात्रा सुमंती कुमारी ने बताया कि सभी परिस्थिति का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंची हूं। पहली बार डिफेंस के आरपीएफ में 30 दिसंबर 2019 को चयनित हुई, उसके बाद भी तैयारी करती रही। उन्होंने बताया कि मेरे पिता के साथ साथ हमारे शिक्षक वीरेंद्र कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, साथ साथ अपनी सफलता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी महत्वपूर्ण योगदान बताया, जिन्होंने लड़कियों को नवा में नामांकन के बाद साइकिल दिया, जिससे हम अपनी कोचिंग की दूरी तय किया। साथ साथ उन्होंने क्षेत्र के लिए प्रेरणा बताया कि मेरी सफलता से डुमरिया की बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएगी। इस मौके पर यूनिक कोचिंग के निर्देशक वीरेंद्र प्रसाद, समाजसेवी सह कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पंकज पासवान सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सुमंती कुमारी हमारे ही पंचायत का है, सेवरा का बेटी है। अच्छी मेहनत की और आज मेहनत का ही सफल इसको मिला है। क्या बेटियों को जो माँ बाप प्रतिबंध लगाते हैं बाहर निकलने से, पढ़ने से रोकते हैं, जिस तरीके से माहौल क्रिएट है अभी, तो क्या कहेंगे वैसे माँ बाप को और बच्चियों को? वो सब गलत सोच है माँ बाप का। पढ़ाई होनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लेकिन एक लगन होना चाहिए लड़कियों में कि हाँ हम पढ़ें, अपने समय को बर्बाद नहीं करें। आज इतना मुकाम तक ही पहुँची है और हम इसको प्रोत्साहित जरूर करेंगे कि एसपी बने, डीएसपी बने, अच्छी रैंक करे। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवल किशोर सिंह है। हम इसी पंचायत का निवासी हैं, डुमरिया प्रखंड सेवरा पंचायत का, और इसी घर। खुशी जाहिर करता हूं सुमंती कुमारी के जो श्रेय मिला है, ये बीपीएससी कंप्लीट की है और ये हमारा क्षेत्र का नाम रोशन की है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं तमाम छात्राएं से भी कहूंगा कि आने वाला समय में तुम भी सुमंती जैसा आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करो, मेरी यही कामना है। क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था, नक्सली क्षेत्र, लोग मुख्य धारा से भटक जाते थे, तो क्या इनसी क्या प्रेरणा मिलेगा क्षेत्र? जी जी, ये बात सही है कि हमारा क्षेत्र एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज के परिवेश में हमारा क्षेत्र कोई नक्सल भले लोग कहता है लेकिन नक्सलियों से ग्रसित अब नहीं है। अब यहाँ का जनता जागरूक हो चुकी है, यहाँ का बच्चे जागरूक हो चुके हैं, यहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा रोशन फैल गया है और शिक्षा के लोग अग्रसर है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चे बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, नक्सलिया बरगला नहीं सकता है हम लोग के बीच। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप नारायण सिंह, सरपंच पति नंदई पंचायत। ठीक, ये जो सुमंती कुमारी सफलता की है, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि इनके गार्जियन जितना खुश होंगे उससे ज़्यादा हम खुश हैं। लाख बाधाएं, क्योंकि जिस समाज से ये आती है उसी समाज के ओतप्रोत हम भी हैं, तो जिस समाज में हम लोगों को जितना कठिनाइयां पेश करना पड़ता है, आर्थिक से लेकर के सामाजिक सारी कुरीतियां को पार करते हुए ये जो मंजिल पार की है, मैं इसको जितना भी धन्यवाद दूं वो मैं समझता हूं कि कम है, मेरे तरफ से वो कम होगा। डुमरिया की बच्चियों को इनसे क्या प्रेरणा मिलेगी? डुमरिया की बच्चे इनसे तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं, मैं जो कम समय में जो इनका व्यवहार देखा, व्यवहारिक रूप में भी कुशल हैं, पढ़ाई लिखाई में तो कुशल थी ही, अपने जगह पर चली गई, व्यवहारिक रूप में भी बहुत कुशल हैं। और मैं डुमरिया का मैं समझता हूँ कि भविष्य में गया जिला के लोग के प्रति भी इनका एक अलग का व्यवहार रहेगा और इसमें ये जरा सा शिकवा शिकायत मैं
एक भाई के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी है उस पर ये खरा उतरेगी। नाम बता दीजिए। पंकज पासवान, प्रखंड कांग्रेस कमेटी। खुशी का दिन है कि हमारे यूनिक साइंस कोचिंग का एक छात्रा 2013-15 का बैच रहते हुए और इन्होंने जो आज दरोगा के पद पर आसीन हुई है, मैं इसको इस सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इन्होंने जो आर्थिक मंदी से लड़ते हुए जो इस मुकाम पर जो पहुंची है, इसका फॉलो और भी कोचिंग के लड़कियां करें, हमारे स्टूडेंट करें, और इसका इनके सफलता में ही हमारी सफलता है, इनके खुशी में ही हमारी खुशी है। और हम चाहेंगे कि जहां भी रहे, दरोगा पद पर रहे, निस्वार्थ भाव से अपने राज्य की सेवा करें, गांव के और समाज की सेवा करें, ताकि इनका मनोबल और अच्छा हो। और दरोगा तो पद पर ही आसीन हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि और भी आगे बढ़ कर के एसपी डीएसपी के पद पर आसीन हो और उस दिन एक बार और मेरे कोचिंग में दाखिला ले कि ताकि ये कहे कि हम सर ये पद पर ज्वाइन लिए थे और इस पद से हम रिटायर हो रहे हैं। मैं इसको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं वीरेंद्र प्रसाद, यूनिक साइंस कोचिंग सेंटर मैगरा के संचालक। हमारे क्षेत्र के जो सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ से बच्ची आज सफलता प्राप्त की है, मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। और मैं चाहता हूँ इसका भविष्य जो है सो, और दरोगा ही नहीं और इसे आगे का पोस्ट जो है सो ही क्रिएट करे और इस क्षेत्र का नाम जो है सो रोशन करे। और मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को हर संभव, जहाँ तक के जिनके मदद की भी बात जरूरत होगी, तो हम लोग जो है सो हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की बच्चियाँ, खास करके बच्चियाँ, ऐसे तो बच्चे बहुत हैं, लेकिन खास करके बच्चियाँ जो तरक्की कर रही हैं, इससे बहुत काफ़ी मैं उत्साहित हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र का विकास, यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि ये तो मान लिया जाए दरोगा की बात है, इससे मैं इस बात को भी कहूँगा कि इससे भी और बहुत तरह की परीक्षाएँ होती हैं, BPS है, IAS है, ये सारे चीज़ के में ये अपना योगदान करे और सफलता प्राप्त करे। मैं यही कहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र का नाम रोशन। अच्छा सर, एक और बाधा आ रही है, जिस तरीके से इनको पढ़ने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, इनकी सोच थी कि हम कोटा जा करके पढ़ते, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, क्या कहेंगे कि यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट वगैरह वैसा होना चाहिए? एकदम बिल्कुल होना चाहिए था। प्रतिभा है, बहुत सा बच्चियाँ हैं या बच्चे भी हैं जिनको कोटा जाने की बात होती है, तो कोटा का जैसा माने शिक्षा का व्यवस्था यहाँ पर हो जाए तो हमारे क्षेत्र, मैं समझता हूँ कि जो सबसे लोग कहता है कि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि यह क्षेत्र बहुत ही आगे विकसित हो जाएगा और यहाँ के बच्चे बच्चियाँ बहुत काफ़ी आगे बढ़ेगी, IAS अफसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी और समझिए कि इंजीनियर बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्ची को मैं सलाह भी दूँगा कि कम से कम अपने सर्विस काल में ही ये जो है सो कोशिश करते रहे आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताते। मेरा नाम रामचंद्र सिंह है, मैं पूर्व प्रमुख डुमरिया। मम्मी पापा भाई बहन और सबसे ज़्यादा इसका सपोर्ट रहा, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। क्या जब आपके अंदर जब मनोबल टूटता हो, कई समस्या आती होंगी, तब उस टाइम में कैसे मैं ये करती? पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान बहुत तरह तरह की समस्या आती है, लेकिन आपको इस समस्या से मतलब लड़ना होगा, अपने आप में सहन लाना होगा। ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, माँ बाप विश्वास नहीं करते हैं बेटी को बाहर निकलने के लिए, तो हाँ, कैसे आप विश्वास दिला करके आप बाहर आएंगे? आपको मम्मी पापा, ये तो बात सही है कि विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको विश्वास देना होगा। आपको पहले उस कुछ करने से पहले आपको कुछ दिखाना होगा कि आप मतलब चाहत, अपना चाहत को दिखाना होगा, उनको कुछ रिजल्ट देना होगा, तब वो विश्वास करेंगे, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैसे इस मुकाम तक आप पहुंच पाई? मैंने यही सोची थी कि
कभी कभी सुनने को मिलता था कि वो बने गए, वो इंजीनियर बन गए, वो डॉक्टर बन गए, वो दरोगा बन गए, कोई एसपी बन गए, ऐसा मुझे सुनने को मिलता था। मैं यूट्यूब पेपर ये सब पढ़ते थे। जब मैं आईएससी में थी तो मैं डेली पेपर पढ़ती थी, तो मुझे पता चला कि कभी सुनने को मिलता था कि वो लोको पायलट बन गई, वहाँ की लड़की वो लोको पायलट बन गई, ऐसा ऐसा मतलब न्यूज हम देखते थे, तब मुझे अंदर से उत्साह मिलता था। क्या शुरू से लक्ष्य था आपका कि हमको क्या बनना है? पहले से हमारा उतना लक्ष्य नहीं था, पर मैं ये सोचती थी कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊंगी। कहाँ से प्रेरणा मिलती थी कि हमको डिफेंस लाइन में जाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या? मैं जब मैं आईएससी कर रही थी तब मुझे हमने पेपर बहुत पढ़ती थी, मैं यहाँ पे मैग्रा में ही बैठ करके जब मैं आती थी तो या मतलब कोचिंग से जाती थी तो वहाँ पे पेपर ऊपर बैठते थे कुछ देरी, तो वहाँ पे पेपर ऊपर पढ़ते थे क्योंकि हम पेपर खरीदते नहीं थे, तो मैं वहाँ से बैठ करके कुछ पेपर पढ़ते तब मुझे सुनने को मिलता था वहाँ की लड़की एक लोको पायलट बन गई, वहाँ का लड़की एक दारोगा बन गई है, वहाँ का एसपी डीएसपी, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता था। तब मुझे अंदर से ये लगता था कि मैं भी कुछ करती अगर मुझे मौका मिलता तो। कितना देर आप पढ़ाई करती थी? पढ़ाई तो मैं बहुत करती थी, लगभग कितना घंटे? 8 घंटा 9 घंटा मैं पढ़ाई करती थी। जब मैं आरपीएफ में गई तो वहाँ पे उतना हमें टाइम नहीं मिल पाता था। जब मैं कब ज्वाइन हुआ? हमारा 30 दिसंबर 2019 को आरपीएफ में ज्वाइन किए थे। अभी दरोगा कैसे तैयारी करती? उसी बीच हमें टाइम निकाल करके दरोगा के लिए तैयारी की। आज कैसा महसूस कर रही है, क्या आपको लग रहा है क्षेत्र के लोगों को? बहुत आपसे बहुत खुश है हमारे क्षेत्र का लोग, बहुत क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे क्षेत्र की बच्चियों को? मैं यही संदेश दूंगी कि हमारे क्षेत्र के जितने भी लड़की लोग हैं, जितने भी लड़के लोग हैं, सभी हमसे भी आगे मतलब और आगे बढ़े और उन लोगों भी जॉब में आए, इस तरह से हमारे क्षेत्र का जो आगे विकसित होगा। मुझे तो बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है इसके लेकर के। इसमें ज़्यादा सपोर्टिंग ये हमारे मेरी बहन की है, इन्होंने मुझे खाना उना बना करके खिलाती थी मेरे साथ, जब मैं फिजिकल करती थी तो फिजिकल के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग की। सरकार का क्या? क्योंकि मैं जॉब करके आती थी, ड्यूटी से जब मैं आती थी तो मैं इतना थक जाती थी कि मुझे कहीं जाने का हिम्मत नहीं करता था, मैं तो इन्होंने मुझे उठाती थी, सोए हुए रहते थे, इन्हीं यही ले करके मुझे ग्राउंड जाती थी। ग्राउंड हमारे लगता है कि 4 किलोमीटर के करीब मोतिहारी में दूरी पर पड़ता था, वहाँ पे इन्होंने सुबह उठाती थी और ले करके जाती थी, वहाँ से आते थे फिर 8 बजे हमको, वहाँ से मतलब 7 बजे हम रूम पहुँच जाते थे, उसके बाद इन्होंने दूध वगैरह ये सब नाश्ता उस्ता बनाती थी, मैं रेडी उडी होती थी और नाश्ता करके मैं ड्यूटी चली जाती थी, उसके बाद वहाँ से 4 बजे हम आते थे ड्यूटी करके, 4:30 बजे आती थी, फिर शाम में ग्राउंड लेकर के जाती थी। मुझे इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा। क्या पढ़ाई करती थी आप और कैसे भरोसा होता था कि ये पढ़ेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे? मुझे जो समझ में नहीं आता था मैं उसको रट बैठती थी, मतलब रट डालती थी, जो समझ में नहीं आता था उसको खूब रटते थे, रट के याद जैसे तैसे पूरा रटते तब कि पढ़ते थे। तो ज़्यादा गाइडलाइन ऊपर से गाइडलाइन तो देखते थे हम, यही देखते थे इधर उधर यूट्यूब वगैरह ये सब देखते थे, तो मुझे ज़्यादा गाइडलाइन और दोस्त लोग भी हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं। ठीक है, अपना नाम बता दो। सुमंती कुमारी। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सरकार का क्या योगदान रहा है इसमें? सरकार जिक्र कर रही थी आप। हाँ, सरकार बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने साइकिल दिया हम लोग को, तो हम वही साइकिल से हमने यहाँ तक पहुँची है। किसने दिया, किसके राज में मिला? ये नीतीश कुमार। क्या कहेंगे उनको? उनको बहुत बड़ा बड़ा बधाई है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कम से कम इतना दे दिए, मतलब सुविधा ऐसा दे दिए, उससे पहले साइकिल से जाने से इनकार करते थे, घर वाले साइकिल मतलब नहीं चलाने देते थे, जब उन्होंने साइकिल देना शुरू कर दिए तब घर वाले भी सभी का घर वाले, एक मेरे ही घर का नहीं सभी का ये रहा कि साइकिल मिला तो घर, मतलब पहले होता था कि घर के लड़की है तो साइकिल चला के जाएगी ऐसे, मतलब ये वगैरह होता था थोड़ा घर से, जब उन्होंने साइकिल दिए तो सब लोग चलाने लगे, तो एक
मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने लगा, क्योंकि वो हर घर के लड़कियां जाने लगी साइकिल चला करके। कितना किलोमीटर सफर तय करती थी कोचिंग के लिए? कोचिंग के लिए तो 3 किलोमीटर तो हम मैगरा आते थे, तीन किलोमीटर पड़ जाता है। इमामगंज भी जाया करते? वहाँ कितना, यहाँ से 10 किलोमीटर इमामगंज, मतलब कि 13 किलोमीटर हम साइकिल से सफर करते थे।